फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा क्लास टू है, डे टू है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसके ऊपर मैं सोफोस फायरवॉल वर्जन 18.51 के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। सोफोस ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल वन है, जिसमें हम सोफोस फायरवॉल का ओवरव्यू देख रहे हैं कि सोफोस फायरवॉल में क्या क्या फीचर्स होते हैं जिनका हम बेनिफिट और अपने नेटवर्क को मोस्ट सिक्योर बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, सोफोस फायरवॉल ओवरव्यू टॉपिक्स यहाँ पे हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे दो टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर कर चुके हैं, जिसमें से सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं लाइनर यूज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने व्हाट इज द फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, मैंने इसको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को। सेकेंड ऑप्शन, हाउ टू डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन इट मीन्स कि कितने तरीकों से हम फायरवॉल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक थे जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एंटोमी ऑफ अटैक एंड जीरो ट्रस्ट। तो इस के ऊपर मैं इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एंटोमी अटैक क्या होता है, इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा प्रीव्यू है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अटैक किल चैन है, ये इतने सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे डिलीवरी, मतलब डिलीवरी किस मीडियम से होता है, ईमेल से होता है, विक्टिम के या वेब से होता है। फिर एक्सप्लॉयनेशन, इसमें मतलब जो एग्जीक्यूट कोड्स होते हैं कैसे होते हैं, कौन से माध्यम से होते हैं, वहाँ पे आ जाएगा। इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इंस्टॉलेशन मालवेयर ऑफ द एनी एसेट्स कैसे इंस्टॉल होता है। फिर कमांड एंड कंट्रोल, फिर वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वो किस तरह से वर्क करता है और हमारे डेटा को बाहर का कोई हैकर अटैक करके उस डेटा को कॉपी करता है। और फिर बिहेवियर क्या क्या होता है उसके ऊपर हम समझेंगे। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम डिलीवरी कंटेंट की बात करें तो डिलीवरी किन माध्यम से हमारे नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर मशीन में वायरस आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ मालवेयर। तो हम जब जो डिलीवरी होता है या कोई ईमेल में या कोई ईमेल में या कोई लिंक या कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन या वेब साइट है जिसके थ्रू वायरस आते हैं, तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिनेरियो है डिलीवरी का, ये आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ये हमारा नेटवर्क का कंप्लीट, इस नेटवर्क में सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, योर नेटवर्क। अब ये नेटवर्क में बेसिकली होता क्या है कि दो तरह का से अटैक होते हैं। नंबर वन, आप यहाँ पे एक साइबर क्रिमिनल है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे अटैकर सेंड अ विक्टिम ईमेल, अटैकर सेंड एन ईमेल टू द विक्टिम। अब उसने विक्टिम्स को, मतलब यहाँ पे इतने सारे तीन इंप्लॉय हैं, तीन इंप्लॉय में से किसी एक को उसने मेल सेंड किया जिसमें कोई एक मालवेयर कंटेंट का लिंक है। तो विक्टिम क्या, विक्टिम क्लिक ऑन द ईमेल्स एंड गोज द फिशिंग वेबसाइट। तो अगर आपको जैसे जीमेल में मेल आया और आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसके वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो गए और उसके पीछे आपके कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। तो इससे सोफोस फायरवॉल आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब दूसरा ऑप्शन होता है फिशिंग थॉट वेबसाइट। अब जैसे यहाँ पे कोई वेबसाइट, आपने ये यूजर है, इसने कोई वेबसाइट कॉपी किया, मतलब कहीं ब्राउजिंग किया और वहाँ पे उसे वेबसाइट मिला। तो क्या होता है, अटैकर यूजर विक्टिम क्रेडेंशियल टू एक्सेस द लेगिमेट वेबसाइट। अब वो क्या होता कि जो जैसे वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं तो अटैकर हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। फिशिंग वेबसाइट अटैकर कलेक्ट विक्टिम क्रेडेंशियल, एक्सप्लॉइट किट, स्कैन द वल्नरेबिलिटी स्क्रीन ऑन द विक्टिम कंप्यूटर। मतलब ये यूजर्स के कंप्यूटर के ऊपर ना, जैसे उसकी वेबसाइट, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा और उसके कंप्यूटर का क्रेडेंशियल चुरा लेगा। इससे इसे हम कहते हैं ईमेल अटैक। इसमें टारगेटेड अटैक होता है। ईमेल अटैक में आपको एसएमएस के थ्रू भी लिंक आ सकता है, अगर आपका मोबाइल एसएमएस से कनेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन है कि आपको जो अटैक आएंगे मेनली ईमेल से आएंगे और दूसरा किसी वेबसाइट से आएंगे। तो सोफोस फायरवॉल इन सब चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो वेब प्रोटेक्शन इसीलिए यहाँ पर रखा गया। वेब प्रोटेक्शन में अगर आपने वेब प्रोटेक्शन बनाया हुआ है तो पॉलिसीज अलाउ यू टू कॉन्फिगर, फिल्टर एंड ऑटोमेटिकली ब्लॉक कैटेगराइज वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को हमको अलाउ रखना, कौन सी कैटेगरी को ब्लॉक रखना। तो इस तरह से हमको एक पेज आएगा जब हम अटैकर की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके कोई भी ईमेल पे या लिंक पे, तो उसका कंटेंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमने एक जोन बना के रखा है कि लो, मीडियम, हाई, तो उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। तो अब ईमेल इंक्रिप्शन एंड कंट्रोल। अब ये जो ईमेल इंक्रिप्शन एंड कंट्रोल है, ये दो तीन प्रकार से काम करता है। सोफोस फायरवॉल, जैसे यहाँ पे क्रिमिनल कोई है, इसने ईमेल भेजा ईमेल सर्वर को,
फायरवॉल के पास आई, फायरवॉल ने चेक किया, अगर मैं स्पैम मेल है तो उसको क्वारंटाइन कर देगा। इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं लास्ट में आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें होता यह है कि अगर हमने वो सब्सक्रिप्शन लिया है तो अगर कोई ऐसा सस्पिशियस या फिर कुछ ऐसा ईमेल आता है तो क्या करेगा, सोफोस फायरवॉल के पास, जब जैसे ही आएगा ईमेल सर्वर्स होकर फायरवॉल के पास, फायरवॉल उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद चेक करेगा कि कैसा कंटेंट है, अगर कंटेंट ठीक है तो पास करेगा, अदरवाइज उसको क्वारंटीन कर देगा और सिर्फ मेल बॉडी इंप्लॉय को रिसीव होगी। आफ्टर यहाँ पे क्वारंटाइन में जाएगा, जब वो टेस्ट होगा लैब में और वो क्लीन हो जाएगा तो वापिस वो मेल यूजर को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब जीरो डे प्रोटेक्शन है। जीरो डे प्रोटेक्शन में अगर कोई सस्पेक्टेड फाइल है जो HASS है, वो अब बिहेवियर कुछ कर रहा है, डिटरमाइनर बिहेवियर कर रहा है, तो जीरो थ्रस्ट हमको उससे प्रोटेक्ट करेगा और कमांड एंड कंट्रोल करेगा, और अगर में उसमें कुछ ऐसा सस्पिशियस है तो उसको ब्लॉक करेगा और हमें सोफोस के डैशबोर्ड पे ही वहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा कि ये ATP अटैक एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, और वहाँ पे रिपोर्ट में भी आपको आएगा और उसको डिनाई और ब्लॉक भी कर सकता है। और जैसे ही हमें सस्पेक्टेड उसको मिलेगा तो बिहेवियर में उसको कमांड एंड कंट्रोल में जाके उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा और रिपोर्ट में आपको मैसेज नेक्स्ट डे आएगा कि ये वेबसाइट या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है। दी जा रहे डिलीवरी कंटेंट में ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अब डीप लर्निंग, इसमें एक डीप लर्निंग का भी ऑप्शन है गाइस। डीप लर्निंग में क्या होता है, जैसे बिलियंस ऑफ सैंपल्स में विंडोज EXE डॉक्यूमेंट्स विथ PDF फाइल एंड स्क्रिप्ट फीचर्स ऑफ द फाइल्स एंड डिफाइंड है वेंडर साइज एंड प्रिंटेबल सेटिंग्स, ये सारे जो ऑप्शन है ना, लर्न मॉडल डीप लर्निंग, तो मॉडल ट्रेनिंग डिटरमाइन द फीचर ऑफ द फाइल्स। अभी जैसे कोई भी फाइल हो, पर्टिकुलर हम किसी भी फाइल की बात कर लें, अगर हम जैसे यहाँ पे होता ही है कि PDF फाइल है, PDF फाइल अगर मैं यहाँ पे हम अगर मैं उसके अंदर कोई इंफेक्टेड फाइल है तो वो क्या होगा कि डीप लर्निंग इंजन रहेगा, उसमें जाएगा और उसको स्कैन करेगा, अगर वो ट्रस्टेड है तो उसको प्रोसेस करेगा, अदरवाइज उसको ब्लैक लिस्टेड कर देगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा EXE और PDF फाइल्स में ही वायरस आते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन कंट्रोल है, जहाँ पे हम सब एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वेब मेल, प्लांस, P2P मेल, ये सब BBS, ये सारे जितने ऑप्शंस हैं ना, हम यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइंड है। हम किसी यूजर को फेसबुक अलाउ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फेसबुक के लिए एक पॉलिसी बना देंगे जिससे फेसबुक उसको बंद हो जाएगा। किसी यूजर को हमको ट्विटर अलाउ करना तो हम यहाँ ट्विटर के लिए पॉलिसी बना देंगे कि इस यूजर को ट्विटर अलाउ होना चाहिए तो ट्विटर अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर पॉलिसी रूल्स एंड स्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, आप किसी भी एप्लीकेशंस के लिए पर्टिकुलर पॉलिसी एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंक्रोनाइज ऐप कंट्रोल पॉलिसी है, सिंक्रोनाइज सोफोस फायरवॉल एक्सेस ऐप ट्रैफिक डज नॉट मैच टू सिग्नेचर। अगर मैं जैसे यहाँ पे हमारा वैन है, ये भी हमारा वैन है, लेकिन ये जो ऑप्शन है फायरवॉल के पीछे है, ये फायरवॉल के आगे है, तो फायरवॉल बीच में रोल रहता है। अगर हम फायरवॉल जो भी एप्लीकेशन का सिग्नेचर मैच नहीं होगा, उस फायरवॉल को फिल्टर करके यूजर तक नहीं पहुंचाएगा, उसको वहीं पे ब्लैक लिस्टेड कर देगा। सोफोस एंड पॉइंट शेयर ऐप नेम पाथ एंड इवन कैटेगरी सो सोफोस फायरवॉल फॉर द क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं वहाँ पे, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज एंड कंट्रोल वेयर द पॉसिबल एंड एडमिन कैन मैनुअली सेट कैटेगराइज और पॉलिसी टू अप्लाई। आप इसके हिसाब से पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन हमारे नेटवर्क में अलाउ होने चाहिए कौन से नहीं। दी जा रहा एप्लीकेशन आर डिलीवरी मतलब इट मीन्स कि इन एप्लीकेशन के माध्यम से कोई ना कोई फाइल लिंक्स, ऐप का लिंक, बहुत सारी चीजें डिलीवर होती है। अब यहाँ पे प्रोटीन अगेन एक्सप्लॉइट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है कि अगर हमारे पास वेब सर्वर है और हमने अगर सोफोस फायरवॉल लगा रखा है तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन या कोई SQL इंजेक्शन एंड प्रोटोकॉल वायलेशन एंड जेनरिक अटैक्स, ये सारी चीजें नहीं होने देंगे। फायरवॉल हमको उसके अगेंस्ट से प्रोटेक्शन देगा, उसको हमारे वेब सर्वर तक कोई भी वायरस वगैरह आने नहीं देगा, अगर नहीं तो स्प्लिट होता है नेटवर्क में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IPS सिग्नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिवेंशन सिस्टम IPS, IPS सिग्नेचर का एंड पॉइंट हमारे यहाँ पे कोई है मॉनिटर्स एंड नेटवर्क ट्रैफिक टू मेलेकालिस्टर्स एक्टिविटी। सोफोस फायरवॉल है और यहाँ पे इंटरनेट है। अब क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी मतलब इट मीन्स कि ऐसा कोई ट्रैफिक आता है तो सोफोस फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है और एक्टिविटी प्रिवेंट करता है, नेटवर्क इन्फेक्शन को सेव करता है
और एडमिन को एक ईमेल जनरेट करता है, और आप नेक्स्ट डे जैसे ही देखेंगे तो आपको आईपी सिग्नेचर जैसे जाएंगे तो वहां पर लिखे रहेगा लॉग एंड ब्लॉक, लॉग एंड ब्लॉक, लॉग एंड ब्लॉक, इस तरह से ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको एक्टिविटी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितनी आईपी सिग्नेचर की एक्टिविटी हुई है, कितने अटैक्स हुए हैं। तो कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे है। कमांड एंड कंट्रोल में हम बात करें तो एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन है, जो लास्ट टाइम अभी मैंने बताया था आपको। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन क्या करता है, जिसको हम शॉर्ट नेम में एटीपी बोलते हैं। एटीपी का रोल क्या, अलाउ आइसोलेशन ऑफ द डिवाइसेस एंड थ्रेट्स क्लीन अप एंड डिटेक्ट डिटेक्ट द डिटेक्ट एंड ब्लॉक मैकल्स आउटगोइंग ट्रैफिक। और हम यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं कि हमारे पास तीन कंप्यूटर्स हैं जो ग्लोबली मॉनिटर ऑल आउटगोइंग ट्रैफिक। सोफोस फायरवॉल यहाँ पे बीच में है, ये हमारा इंटरनेट है, बीच में कोई फाइल इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है, और रिकॉर्ड एंड अलर्ट द कंट्रोल सेंटर द सोफोस फायरवॉल। सोफोस फायर अगर हम कोई यहाँ पे अटैक या कोई ऐसी ट्रैफिक आती है तो क्या करता है कि सोफोस फायरवॉल के डैशबोर्ड पे वहाँ पे एटीपी का एक आइकॉन दिखेगा, वहाँ पे आपको हाईलाइट करेगा कि ये कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर है जिसके ऊपर ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। वहाँ पे आपको रेड मार्क में पॉपअप आएंगे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैलिकस बिहेवियर। अब यहाँ बिहेवियर में क्या क्या आते हैं, अब जैसे यहाँ पे भी ऑटोमेटिक डिवाइस आइसोलेशन, अगर मैं हम सोफोस फायरवॉल लेते हैं और सिक्योरिटी हार्टबीट भी इनेबल रखते हैं तो इसमें होगा क्या कि सोफोस फायरवॉल इंस्टली फ्रॉम इन्फॉर्म ऑल हेल्दी एंड पॉइंट्स टू इग्नोर एनी ट्रैफिक फ्रॉम आ कंप्रोमाइज डिवाइस। अब इंटरनेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा फायरवॉल है, इसके बीच में फायरवॉल और क्लाइंट के बीच में सिक्योरिटी हार्टबीट है। अब सिक्योरिटी हार्टबीट जिसे सर्वर्स में भी, ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी जिसको हम लोग कहते हैं। इस सर्वर में भी हमने एक एप्लीकेशन एंड पॉइंट डाल रखा है, इस कंप्यूटर में भी और इस एंड पॉइंट्स में भी। होगा क्या, अगर हम ये पर्टिकुलर मशीन इन्फेक्टेड होता है तो ये मशीन पूरे नेटवर्क से ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा। ये काम करता है सिक्योरिटी हार्टबीट। हार्टबीट क्या करेगा, इस मशीन को आइसोलेट कर देगा, जिससे ये मशीन नेटवर्क में तो रहेगा लेकिन किसी भी मशीन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, उसका लैन को डिसेबल कर देता है। और फिर एडमिन को पास ईमेल और वेब पे पॉपअप आएगा कि पर्टिकुलर दिस सिस्टम हैज बीन आइसोलेटेड। तो एडमिन पे जो भी बंदा रहेगा वो चेक करेगा, और उसको चेक करेगा कि उसमें कौन सा वायरस है, क्या है सब एक्टिविटी। जब वो क्लीन अप हो जाएगा फिर से वो बैक टू नेटवर्क में आ जाएगा और अन आइसोलेशन हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी हार्टबीट का बेसिकली फीचर्स है। अब ईमेल प्रोटेक्शन में हम यहाँ पे ईमेल के लिए भी डाटा कंट्रोल लिस्ट बना सकते हैं, जिसको डाटा कंट्रोल लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप यहाँ पे हम रख देते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा ईमेल प्रोटेक्शन में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो जैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पोस्टल एड्रेस, इस तरह का कोई कुछ ऐसे मैसेज या ईमेल आते हैं तो इसको ये ब्लॉक कर देगा, जिससे आगे चल के उसको मैसेज इन्फॉर्म नहीं होगा। और वो इस कैटेगरी के जितने भी मैसेज आएंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल और पोस्टल एड्रेस के, अगर कोई ईमेल करना चाहेगा तो वो सेंड नहीं होगा। अब ये समरी है, समरी में मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे आपको बताया वेब प्रोटेक्शन क्या होता है। वेब प्रोटेक्शन को हम वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट को हम ब्लॉकिंग के लिए यूज कर सकते हैं या अलाउ के लिए यूज करते हैं। ईमेल प्रोटेक्शन है, ईमेल प्रोटेक्शन इनबाउंड एंटीवायरस, एंटी स्पैम स्कैनिंग, एसपीएफ, एसएपी एंड केडीएम, एसपीएक्स ईमेल एंड इंक्रिप्शन, ये सारे इंक्रिप्शन हम इसमें लगा सकते हैं। जीरो डे प्रोटेक्शन विद द डीप लर्निंग टाइम टू आप क्लिक द यूआरएल एंड प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा कोई यूआरएल आता है जिसको हमको रिस्की है तो उसके यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। दीज आर एप्लीकेशन, ये बैक। और यहाँ पे डिलीवरी, डिलीवरी में क्या क्या ऑप्शन, नेटवर्क प्रोटेक्शन में हम स्टॉप अननोन एंड थ्रेट्स, एडवांस नेटवर्किंग प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड एंड इंसिडेंट्स, कोई भी रिस्पॉन्स ऐसा होता है नेटवर्क प्रोटेक्शन में हम इसको डिलीवरी चैन में लेते हैं। मालवेयर स्कैनिंग ऑन बोर्ड एंटीवायरस इंजेंस, जीरो डे प्रोटेक्शन। मालवेयर स्कैनिंग यहाँ पे आता है डिलीवरी में, जो मतलब डिलीवरी का इट मीन्स कि किसी माध्यम के थ्रू हमारे नेटवर्क में कोई एप्लीकेशन या कोई कंटेंट्स आता है, लाइक ईमेल, आउटलुक, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी होती है कि हार्टबीट लिंक्स योर एंड पॉइंट्स विद द सोफोस फायरवॉल, ऑटोमेटिकली डिवाइस आइसोलेट, सिंक्रोनाइज ऐप कंट्रोल, आइडेंटिफाई इन्फेक्टेड सिस्टम, मॉनिटर एंड नेटवर्क हेल्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी जो है ये नेटवर्क को कंटिन्यू मॉनिटर करता रहेगा, और आपके नेटवर्क में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस सिस्टम को आइसोलेट कर देगा और कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता रहेगा जब तक कि कोई वायरस या ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं है, या फिर हमारे नेटवर्क को सेफ एंड सुरक्षित रखने के काम करता है। और आईपीएस है, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी है, LASSS है, सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर है, SAM है। अब ये ऑप्शंस हमारे यहाँ पे बिहेवियर, कमांड एंड कंट्रोल, इंस्टॉलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन पे आते हैं।
अब यहाँ पे वेब सर्वर प्रोटेक्शन की बात करें, ब्लॉक अननोन अटैक टेक्निक्स, एक्टिव एडवाइजरी, माइलस्टोन्स, रिजर्व, प्रॉक्सी, ऑथेंटिकेशन, ये अभी क्या होता है वेब सर्वर। हम अगर कोई सर्वर है जिसको हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया हुआ है तो ये हमें वहाँ पे सेफ साइड करेगा। अगर हमने कोई पर्टिकुलर हमारे पास ISP कोई है, हमने उसके IP के थ्रू कोई पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पोर्ट फॉरवर्डिंग किया, कोई एप्लीकेशन या कोई भी व्हाटएवर कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, तो अगर हम उस लिंक पे या कुछ उस IP के थ्रू कुछ ऑप्शंस आते हैं तो वहाँ पे हमको ये सेफ सेफ करने की ट्राई करेगा। एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल हम कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन हम चाहेंगे हमारे नेटवर्क में वही एप्लीकेशन रन होगा, हम बाकी के अनवांटेड एप्लीकेशन को जो हमारे बिजनेस रूल में नहीं आते उसको हम ब्लॉक ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। डाटा लॉस प्रिवेंशन में हमारा ईमेल है, हम यहाँ से डाटा लॉस प्रिवेंशन का पॉलिसी बना के ईमेल के थ्रू कि कोई भी हमारा पोस्टल एड्रेस है या बैंक या फाइनेंशियल डिटेल है ईमेल के थ्रू कॉपी पेस्ट ना करें या किसी को ट्रांसफर ना करें। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन है, डिटेक्ट एंड ब्लॉक CNC ट्रैफिक, अगर ऐसा कोई ट्रैफिक आती है तो एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मशीन को ऑन द स्पॉट ब्लैक लिस्ट कर देगा। तो गाइस इस वीडियो में मेरा बस इतना ही है, और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।